अभी मैं बॉम्बे में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो देख रहा था, तो अभी क्या है कि दशहरा और भोला का क्लैश होने जा रहा है, तो आपने कहा था मैं भोला पहले देखने जाऊंगा, अब बॉम्बे में आपने कहा था, तो क्या क्योंकि बॉम्बे जो भोला जो है वो कहती है कि रीमेक है, तो आप उसपे क्या देखते हैं कि जो रीमेक है बननी चाहिए या नहीं? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैश नहीं है। आपके पहले किसी और ने क्वेश्चन पूछा, अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप दोनों का क्लैश नहीं है ना। सेम बोल बोला और दशहरा भी ऐसे ही है, तो आई थिंक यू ऑल लव अजय देवगन सर, एंड आई एम ऑल्सो रीगर टू वॉच भोला। एंड आप सब मीडिया के दोस्तों भी, आप मॉर्निंग शो को बोला जाइए, मैटनी को दशहरा, अगर टायर्ड हो गए तो इवनिंग शो का दशहरा जाइए। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। नानी जी नमस्कार, इधर इधर। हाँ मैं नमस्कार। अशोक धवन, ईटीवी भारत से। ये आपने एक्शन मूवी बनाई है, और एक तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और इसकी शूटिंग वगैरह कहाँ हुई है? ये एक अभी जनरली हमारे मूवी गोइंग ऑडियंस, एक अगर एक फिल्म प्रॉमिस करती है कि वो एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म कर दे, वैसी फिल्म्स को एक इन्होंने ज्यादा लाइक कर रहे हैं, और दशहरा एग्जैक्टली फॉल्स इनटू दैट, बिकॉज हम सबको वो कैरेक्टर्स कभी बाहर मिले नहीं होंगे, उसको बैकड्रॉप हम कहीं देख, यू नो वी वुडंट हैव सीन दैट बैकड्रॉप। एंड जब आप थिएटर में जाएंगे, बाहर का ट्रैफिक और जो भी स्ट्रेस है आप कंप्लीटली भूल जाएंगे, क्योंकि एक कंप्लीट नया वर्ल्ड में आपको ट्रांसफर कर देंगे। एक विलेज कॉल्ड वीरलपल्ली, जो है कि कोल माइंस में, ये एक्चुअली ये फिल्म का डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला, वो गोदारकनी से है, गोदारकनी में है ये सिंगरेनी कोल्स कोल माइंस, विच इज द बिगेस्ट इन एशिया, और उसके पापा उसी कोल माइंस में ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से डंपर का ड्राइवर का काम किए, तो उसे जितना वो वर्ल्ड के बारे में पता है किसी और को पता नहीं। और ये ऐसी स्टोरीज होते हैं जो हम एक एक रूम में बैठ के नहीं लिख सकते, किसी के लाइफ से आना है। तो श्रीकांत जिस तरह की डिटेल्स और जिस तरह की कैरेक्टराइजेशंस को प्लान किया है इस फिल्म में, वो बहुत ही मेस्मराइजिंग रहेंगे, बहुत ही आप सरप्राइज होंगे, बहुत ही एक्साइटिंग लगेगी। और बेसिकली ये स्टोरी है ये प्यार, दोस्ती और एक रेज, एक गुस्सा की एक आर्क है इस स्टोरी में, जो हम सब रिलेट कर सकते हैं। दोज आर बेसिक इमोशंस, बट दोज आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली इम्पैक्टफुल ऑन दिस फिल्म, वेरी ड्रामेटिकली बट येट सटली एक्सप्लोर्ड। 500 करोड़, अब 1000 करोड़, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो आप अपने दशहरा को किस नजरिए से देखते हैं ये बताइए? हाँ वो इम्पोर्टेंट है, मगर उसके लिए काम करे तो वो नहीं आएगा, वो नहीं मिलेगा। अगर अब हम अच्छे पिक्चर करने के लिए काम करेंगे तो बॉक्स ऑफिस ऑटोमेटिकली, अगर आप देखें तो जो भी लास्ट फ्यू ब्लॉकबस्टर्स है उनका जो फर्स्ट पार्ट स्लोली शुरू हुआ, देन आपका प्यार मिला तो सेकंड पार्ट 10 टाइम्स हो गया। सो यहाँ पे जीतने का है प्यार पहले, बॉक्स ऑफिस ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगी। हाँ।